हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से मार्केट में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में लगातार गिरते ही जा रहे हैं और यहाँ पर इनकी गिरावट बहुत ही ज्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट के शेयर्स को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स एक हफ्ते में 35% से ज्यादा तक गिर चुके हैं। और वहीं पर अगर मैं स्पेसिफिक डेटा की बात करूं तो अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स तकरीबन 27% तक गिर चुके हैं, अदानी पावर के शेयर्स 5% तक गिर चुके हैं, अदानी पोर्ट्स के शेयर्स 7.1% से गिर चुके हैं और इसी के साथ साथ अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स भी 10% से ज्यादा गिर चुके हैं। इतनी ज्यादा गिरावट देखने के बाद तो हर इन्वेस्टर डर ही जाता है कि इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं करे। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी चीज के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को जानना है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में गिरावट आने के पीछे के रीजन क्या है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर मैंने बहुत सारे रीजंस बताए हैं कि क्यों अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के पी रेशियोज हैं मार्केट क्रैश के पहले के, और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये हैं अभी के पी रेशियोज। मार्केट में अदानी ग्रुप के जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं उन सभी के पीई रेशियो जो है वो बहुत ही ज्यादा है। फिर चाहे अदानी ग्रुप के शेयर्स के क्रैश होने के पहले की बात करूं या अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स क्रैश के बाद की बात करूं, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स बहुत ही ज्यादा ओवरवैल्यूड हैं। नॉर्मली अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका पी रेशियो ज्यादा होता है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यही होता है कि आपको ₹1 का प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। करंटली अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो पी रेशियो है वो ऑन एन एवरेज 400 से ऊपर का है, और वहीं पर अगर मैं इंडस्ट्री एवरेज की बात करूं तो इंडस्ट्री एवरेज का जो पी रेशियो है वो 30 का ही निकल कर आता है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इन सारी कंपनीज के पी रेशियो को इनके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इन कंपनीज का जो पी रेशियो है उसके कंपेरिजन में ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम है। अदानी ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी ऐसी है जिनका पी रेशियो के कंपैरिजन में ग्रोथ काफी अच्छा है, 30-35% का है, और उस कंपनी का नाम है अदानी रिन्यूएबल्स। देखो जब कभी भी कंपनी ग्रोथ स्टेज पर होती है तो मेजरली उन कंपनीज का पी रेशियो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर मैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करूं तो यहां पर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो पी रेशियो है वो सबसे ज्यादा है, और इतने अमाउंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो असेट्स की वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास असेट्स बहुत कम है और इसके कंपैरिजन में लायबिलिटीज ज्यादा हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास करंटली जितना डेट है उतने की इक्विटीज भी नहीं है। तो पर्सनली मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि आपको अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में मार्केट में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में और भी ज्यादा क्रैश आएगा। तो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज से जितना आप दूर रह सकते हैं उतना ज्यादा दूर रहिए। करंटली मार्केट में ऐसे बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।